हेलो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम लोग एक चैटबॉट बनाना सीखेंगे जो कि जैसे कि आपने चैट जीपीटी को पहले इस्तेमाल किया है उसी की तरह काम करेगा। हम लोग उसमें एक रिस्पांस देंगे और हम लोग उसमें एक टेक्स्ट उसमें इनपुट देंगे प्रॉम्प्ट में, और उसको जो हमारा मॉडल रहेगा वो उसको इंटरप्रीट करेगा और फिर उसके अकॉर्डिंग हमें रिस्पॉन्स देगा। और ये सारा हम काम हम कैसे करने वाले हैं, जेमिनी AI की हेल्प से करने वाले हैं जो कि गूगल का AI मॉडल है। ठीक है, इसके लिए आपको आई होप मेरी स्क्रीन आप लोगों को दिखाई दे रही होगी। अब तो स्क्रीन पर आप लोग देख रहे होंगे कि इसको बनाने के लिए हमें किन किन टेक्स्ट टैग की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो एक हमारा HTML CSS जावास्क्रिप्ट रहेगा, ठीक है, बेसिक सा रहेगा, ज्यादा इसमें कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल हमारा ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके अलावा हमें किन किन प्लेटफॉर्म की जरूरत पड़ेगी, हमें गूगल क्लाउड जरूरत पड़ेगी, हमें इसके अलावा AI गूगल स्टूडियो जरूरत पड़ेगी, और हमें एक पोस्टमैन API की जरूरत पड़ने वाली है। पोस्टमैन के अलावा आप अलग कोई टूल भी यूज कर सकते हैं जो आपको कंफर्टेबल हो, लेकिन हम इस सेशन में पोस्टमैन का इस्तेमाल करने वाले हैं। उसके अलावा हम देखते हैं आगे कैसे क्या होता है। चलिए, ठीक है, तो ये आपका कुछ इस तरीके से काम करेगा। यहाँ पर एंड्रियो थॉट्स, यहाँ पर जैसे मैंने लिखा कि हु इज नरेंद्र मोदी, एंड आई हिट दी सबमिट बटन ओवर हियर। एक दो सेकंड डिले कर देता है रिस्पॉन्स आने में, बट डेफिनेटली रिस्पॉन्स आएगा आपका। सी, यहाँ पर आपका रिस्पॉन्स आ चुका है। ठीक है, ये तो नरेंद्र मोदी के जी के बारे में हो गया। इसके अलावा मुझे मैथ्स की कोई कैलकुलेशन करनी है, तो आई कैन राइट 4 + 5 + 8 बॉड मास। ठीक है, और यहाँ पर लिख दिया मैं 78 + 99। देखते हैं ये इस एरिथमेटिक ऑपरेशंस को कर पाता है कि नहीं कर पाता। हाँ जी, ये एरिथमेटिक ऑपरेशंस को भी कर पा रहा है। चलो और कुछ हम इससे करके देख ले। हम टेल मी अ जोक इन संस्कृत, हमारे पास रिस्पॉन्स आ चुका है। इसमें आपको देखने को मिलेगा का श्वेत का कृष्णा ना क्षमाम क्रु तम ना अप्रिय क्रु से। अब इसका मतलब तो खैर मुझे भी नहीं पता, आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा उसके लिए। चलिए, तो ये हमारा एक तरीके का जेमिनी AI मॉडल हमारा ऑलमोस्ट रेडी है। तो अब हम इसको खुद से बनाना सीखेंगे आज के सेशन में, जो कि आप इसको अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर आप इंटीग्रेट भी कर सकते हैं। इसके अलावा आज ही जो हमारा प्रोजेक्ट रहेगा सिर्फ HTML CSS जावास्क्रिप्ट में रहेगा। इसके अलावा आप इस पूरे इस मॉडल को आप इंटीग्रेट कर सकते हो खुद के प्रोजेक्ट्स में, रिएक्ट के थ्रू कर सकते हो, और उसको हम नोड के थ्रू भी करेंगे, लेकिन आज के सेशन में हम लोग नहीं करने वाले हैं। और अगर आपको नोड में करवाना है ये रिएक्ट में करवाना है, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। चलिए शुरू करते हैं। तो इस तरह के मॉडल बनाने के लिए आपको क्या आवश्यकता पड़ेगी, आपको आवश्यकता पड़ेगी यहाँ पर एक HTML CSS जावास्क्रिप्ट, जो कि ये तो डिजाइनिंग के पर्पज के लिए बेसिकली आपका मेन काम इन तीन प्लेटफॉर्म के थ्रू होने वाला है। तो सबसे पहले हम ये कोर जानेंगे, फिर उसके बाद हम ये डिजाइन कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं जाऊंगा अपने गूगल क्लाउड पर जाऊंगा। तो ये लिंक ऑलरेडी मैं आपको प्रोवाइड आपको आपके इन्फॉर्मेशन में या फिर इस वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगा। गूगल क्लाउड आपको यहाँ पे खुल चुका है, गूगल क्लाउड आपका, और यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा कहाँ पर सिलेक्ट अ प्रोजेक्ट। तो एक काम करता हूँ मैं, इसको यहाँ से ना करते हुए इसको मैं क्लाउड गूगल यहाँ पर मैंने क्लिक किया क्लाउड। ओके, कोई नहीं। ओके, यहाँ पर मैं कंसोल पर जाऊंगा। कंसोल पर जाने के बाद ठीक है, आपको कहाँ जाना है, आपको यहाँ पर जाना है। आप यहाँ पे खुद का नया प्रोजेक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। मैं नए प्रोजेक्ट पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे मैंने लिखा नितिन जेमिनी AI। ठीक है, ये अवेलेबल नहीं है क्या? ओके, अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पर व्हाट विल आई डू .ds। फाइन, अभी भी अवेलेबल नहीं है, कैन नॉट बी चेंज लेटर। ठीक है, कोई इशू नहीं, मैं यहाँ पर क्रिएट कर देता हूँ। यहाँ पर ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है नितिन जेमिनी AI DS। DS स्टैंड्स फॉर डेटा साइंस। ओके, नो इश्यूज एट ऑल। फाइन, अब मैं यहाँ पर नितिन जेमिनी AI DS पर जा सकता हूँ, नो इश्यूज। यहाँ पर मेरा एक नया प्रोजेक्ट यहाँ पर मेरा बन चुका है गूगल क्लाउड पर। इसके अलावा मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मैं जाऊँगा कहाँ पर, मैं मेरे को जाना पड़ेगा AI स्टूडियो गूगल।
ठीक है ओके, यहाँ पर मैंने पहले लिंक पर क्लिक किया। इसके अलावा मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर साइन इन टू गूगल एआई स्टूडियो पर मुझे जाना पड़ेगा। उसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, आपको हालांकि ये तो ऑलरेडी मेरा बना हुआ है, आपके स्क्रीन पे कुछ प्रॉम्प्ट्स आएंगे और आपको बस उनका टिक कर देना है और नेक्स्ट तो नहीं पूछेगा, ओके कर देना है। ठीक है, उसके अलावा गेट एपीआई पे क्लिक की पे क्लिक करेंगे। उसके अलावा इसको मैं डिलीट कर देता हूँ हाल फिलहाल के लिए। ठीक है, उसको मैंने रीलोड किया। ठीक है, जब भी आप गेट एपीआई पे क्लिक करेंगे कुछ इस तरह की विंडो आपको दिखाई देगी, आपको कहाँ पर जाना है, क्रिएट एपीआई की पे आप क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो मेरे सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पर आ चुके हैं। तो नितिन जेमिनी AIDS मेंस पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर मैं क्रिएट एपीआई की रजिस्ट्री प्रोजेक्ट्स यहाँ पर मैं क्लिक करने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप लोग ध्यान दोगे और एक बार ये क्रिएट हो चुका है, उसके अलावा आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से आपको रीलोड करना पड़ेगा। ठीक है, रीलोड करने के बाद यहाँ पर हालांकि आना चाहिए था, आया क्यों नहीं ये। ठीक है, एक काम करता हूँ, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ फिर से और मैंने इसको हेलो ओके फाइन क्रिएट API। ठीक है, DS पे मैंने क्लिक किया, कॉपी एंड इट इज नॉट वर्किंग, इट्स वर्किंग एक्चुअली। सी, जब आप एक बार API क्रिएट कर चुके होगे पूरा का पूरा, तो आपको इस तरह की आपको एक बार फिर इसको रीलोड करना पड़ेगा। रीलोड करने के बाद आपको इस तरह की यहाँ पर एक ये छोटा सा आपको विंडो दिखाई देगा जिसके अंदर कुछ कमांड्स हैं। इस कमांड्स के अंदर आपको यहाँ से इसको कॉपी करूँगा यूज कोड के थ्रू। यहाँ से मैंने इस पूरी कमांड को कॉपी कर लिया है, ये पूरी API आपको फेच करके देगा और यहाँ पर मैं जाऊँगा पोस्टमैन के पास। ठीक है, पोस्टमैन यहाँ पर ओपन हो चुका है, आप इसके बाद वर्क स्पेस पर जाएंगे और माय वर्क स्पेस पर आपको जाना पड़ेगा। यहाँ पर इसके बाद आपको क्या करना है, आपको जाना है इम्पोर्ट पर। इम्पोर्ट पर जो मैंने कमांड वहां से कॉपी की हुई है, ये वाले कमांड जो मैंने पूरी कॉपी की हुई है, यहाँ से उसको कॉपी करूँ और यहाँ पर आपको क्या कर देना, इम्पोर्ट इनटू कलेक्शन में क्लिक कर देना है। ठीक है, ये ऑलरेडी क्रिएटेड है मेरी, उसको डिलीट कर देता हूँ हाल फिलहाल के लिए। ठीक है, मैंने यहाँ से रिलोड किया तो आई एम ऑलमोस्ट डन। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, ये है मेरी रिक्वेस्ट जो कि मैं गूगल जेमिनी पर भेजूंगा और इसके साथ मुझे क्या भेजना पड़ेगा, मुझे अपनी API की भी भेजनी पड़ेगी। तो अब ये API की मुझे कहाँ मिलेगी, ये मैं जाऊँगा कहाँ पर, अपने इस AIstudio.google.com पर जाऊँगा। यहाँ पर आप देखोगे API की यहाँ पर ऑलरेडी है और यहाँ पर मैं क्लिक किया और यहाँ पर मैंने इसको कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर सेंड क्लिक करता हूँ तो आपका रिस्पॉन्स आ जाना चाहिए। सी, आपका ये रिस्पॉन्स देखिए यहाँ पर आ चुका है। अब आप कुछ भी भेजेंगे यहाँ पर आपका रिस्पॉन्स आ चुका है। ठीक है, अब मैं रिस्पॉन्स कैसे भेजूंगा, यहाँ पर बॉडी के अंदर जाऊंगा। बॉडी के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, जब भी आप डेटा भेजोगे इस फॉर्मेट में डेटा भेजोगे और टेक्स्ट के अंदर आप ना प्रॉम्प्ट भेजेंगे। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, क्या पर यहाँ लिख सकता हूँ क्या, राइट HTTP कोड इन JS क्वेश्चन मार्क और मैं उसको सेंड कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आपको देखो रेस्पॉन्स डॉट आईडी वगैरह पूरा HTTP का कोड आ चुका है जो कि नोड मॉड्यूल का एक पार्ट है। ठीक है, तो हालांकि इस टेक्स्ट को हम अपने अकॉर्डिंग ही डिस्प्ले करवाएंगे तो अल्टीमेटली यहाँ पर हमें ये पता चल रहा है कि हमारे पास रिस्पॉन्स किस फॉर्मेट में किस तरीके से हमारे पास रिस्पॉन्स आ चुका है। बस अब आपको क्या करना है, प्रॉम्प्ट करना है, प्रॉम्प्ट को टेक्स्ट के अंदर भेजना है और इसके साथ आपके पास क्या मिलेगा, आपको रिस्पॉन्स आएगा कुछ इस फॉर्मेट में। ठीक है, इस फॉर्मेट आपका रिस्पॉन्स आएगा, रिस्पॉन्स आपका सबसे पहले कैंडिडेट्स आएगा, कैंडिडेट्स एक एरे है इसके अंदर आप देखेंगे, फिर कंटेंट है जो कि एक ऑब्जेक्ट है, फिर उसके बाद अंदर क्या पार्ट्स है जो कि एक एरे है और उस पार्ट के अंदर पहला जो उसका एलिमेंट रहने वाला है वो टेक्स्ट रहने वाला है। ठीक है, हमें यही तो फेच करना है अल्टीमेटली, तो हम इसको अपने HTML वाले पेज में डिस्प्ले करवा सकते हैं। ठीक है, ओके, तो
तो मैं अपना यहाँ पे VS कोड ओपन करूंगा, उसको मैंने, इसके अलावा मैं कहाँ जाऊंगा, मैं एक नया फोल्डर बनाऊंगा यहाँ पर, यहाँ पे बनाऊंगा मैं AI मॉडल, AI मॉडल, ओके। Jet Gemini, Gemini is the good word. Gemini AI model, fine. Gemini AI model, okay. अब मैं इसको VS Code में ओपन करूंगा यहां से, ठीक है, इसको मैंने यहां पर ओपन कर दिया। ठीक है, यहाँ पे जेमिनी AI मॉडल मेरे यहाँ पर आ चुका है, और यहाँ पर मैं इसको ओपन इंटीग्रेट टर्मिनल में यहाँ पर करूंगा, VS Code फिर से खोलना पड़ेगा मुझे, जेमिनी AI मॉडल, चलिए हमारा ऑलमोस्ट सेटअप रेडी है। तो इसके अंदर मैं तीन फाइल बनाऊंगा अपनी, AI.html, ठीक है, दूसरी फाइल मेरी क्या रहेगी इसके लिए, AI.css, और इसकी एक और फाइल जो रहेगी मेरी वो रहेगी मेरी AI.js, हाँ जी, ठीक है। हालांकि ये सारा कोड आपको गेटअप से मिल जाएगा, लेकिन सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसका HTML वाला जो पार्ट है मैं इसको लिखूँगा, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, मैं क्या नाम दूँ, मैं नितिन Gemini AI मॉडल, फाइन। उसके अलावा मेरे पास क्या रहेगा, सबसे पहले नेविगेशन बार बनाऊंगा, ठीक है, उस पर मैं यही लिख सकता हूँ, ठीक है, चैट बोट। उसके अलावा मेरे पास क्या रहेगा नेविगेशन बार में, ठीक है, ये हो चुका है मेरे पास। उसके अलावा मुझे क्या करना पड़ेगा, आप लोग ध्यान देंगे ज़रा, जिस जगह मेरे को अपना रिस्पांस प्रिंट करवाना है तो उसके लिए मैं एक डिव बनाऊंगा, डिव, और उसको मैं एक क्लास का देने वाला हूँ, क्लास एक मैं कार्ड देने वाला हूँ, और उसको आईडी भी दे देता हूँ मैं, आईडी कार्ड, बढ़िया। उसके अलावा मेरे पास क्या रहेगा, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ रिस्पॉन्स, ठीक है। इसके अलावा मेरे पास क्या रहेगा, अब मैं एक इनपुट ले लेता हूँ, प्रॉम्प्ट, जो कि काम करेगा मेरा इनपुट प्रॉम्प्ट, फाइन, ओके, ये नाउ दिस विल वर्क, डिव डॉट इनपुट कंटेनर इनपुट कंटेनर, उसके अलावा मैं क्या बनाऊंगा, इसके अंदर इनपुट टैग बनाऊंगा जो कि हमारा प्रॉम्प्ट लेगा, और ये किस तरीके रहने वाला, टाइप टेक्स्ट रहेगा, आईडी भी इसकी मैं टेक्स्ट ही डाल देता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा, और प्लेस होल्डर यहाँ पे हम लगा देते हैं, यहाँ पर क्या रहेगा, एंटर योर थॉट्स, उसके अलावा हमारे पास क्या रहेगा, एक बटन रहेगा सबमिट बटन, बटन डिप्लॉय बटन कंटेनर,
के अंदर मैं अपना ऑब्वियसली बनाऊंगा बटन टैग एलिमेंट क्रिएट करूंगा यहाँ पर, जो कि जिसका टाइप ही रहने वाला बटन ही रहने वाला है। और ठीक है, इतना आई होप मोर देन इनफ है अभी हाल फिलहाल के लिए। यहाँ पर मैं सबमिट कर देता हूँ यहाँ पर, तो एचटीएमएल हमारा मोर देन इनफ हो चुका है। उसके अलावा मैं क्या करूँगा, यहाँ पर अपने स्क्रिप्ट टैग, यहाँ पे मेरा जावास्क्रिप्ट फाइल का नाम क्या है, ये ai.js, ठीक है, और मेरी फाइल भी इंटीग्रेट हो चुकी है। तो एक बार मैं लुक देख लेता हूँ किस तरीके रहने वाला है। तो मैं यहाँ पे गो लाइव करूँगा यहाँ पर, तो कुछ इस तरीके से हाल फिलहाल ये हमारा दिखाई दे रहा है। ओके, और कंट्रोल शिफ्ट प्लस टी, ठीक, हाल फिलहाल हमारा ये कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। चलिए, बढ़िया। तो एक काम कर सकते हैं, जो उसकी CSS है, मैं इसकी CSS कॉपी कर लेता हूँ मेरे GitHub अकाउंट से। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, github.com/nichsjan, एंटर। आपको जाना पड़ेगा फिर कहाँ पर, रिपोजिटरीज में जाएंगे आप। उसके अलावा आपको फिर कहाँ जाएंगे, प्रोजेक्ट्स में जाएंगे। उसके बाद आपको JS में जाना पड़ेगा, उसके बाद आपको AI के अंदर जाना पड़ेगा, और यहाँ से जो आपके CSS को मैं कॉपी करने वाला हूँ, कॉपी कोड, कॉपी रो फाइल, फाइन, और इस CSS में मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। चलिए, तो एक बार मैं ये मेरे कॉपी यहाँ पर हो चुका है, और मैंने इसको भी इंटीग्रेट नहीं किया HTML फाइल में। अगर मैं यहाँ पर देखूंगा, इसको मैंने इंटीग्रेट नहीं किया है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर कोई चेंजेस आ नहीं रहे हैं। तो एक बार मैं इंटीग्रेट कर लेता हूँ उसको अपनी HTML फाइल के अंदर। सो इसके लिए व्हाट विल आई डू, L+Z, नाउ आई लाइक लिंक CSS, ठीक है, और यहाँ पे क्या नाम रहने वाला है, AI, ai.css, ऑलमोस्ट हमारा काम ये हो चुका है। तो फ्रंट एंड वाला पार्ट ऑलमोस्ट जाना है, बस हमें अब लॉजिक एड करना है जावास्क्रिप्ट के, जावास्क्रिप्ट लिखकर। इसके अलावा मुझे क्या करना पड़ेगा, CSS ये मुझे इसको वाइट मैं कर सकता हूँ, वाइट मुझे, ओके, मैं ai.js पर जाऊँगा, CSS पर, ठीक है। एक काम करता हूँ, मैं इसके CSS यहीं पर ऐड कर देता हूँ, स्टाइल, और यहाँ पर मैं कलर, और यहाँ पर लिख देता हूँ #FFF, चलो इट विजिबल है, ठीक है, दिखाई दे रहा है। चलिए, बढ़िया, कोई इशू नहीं है, सबको ये समझ में आ रहा होगा आपको किस तरीके से काम करना है। मेन पार्ट आपका HTML का था कि स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाए, जो कि मैंने बना क्रिएट करके यहाँ पर रख दिया है आपके सामने। और ai.css आप कॉपी कर सकते हो, हालांकि आपको HTML का भी कोड आपको मेरे GitHub पर मिल जाएगा, JS कोड भी आपको GitHub पर मिल जाएगा, लेकिन हम ये खुद लिखने वाले हैं सारे का सारा कोड। चले, इसके अलावा मुझे क्या करना है, अपने JS का कोड लिखना है। इसके लिए मैं क्या करूँगा, ठीक है, सबसे पहले मैं सबमिट बटन पर, जब भी सबमिट बटन पर मैं क्लिक करूंगा यहाँ पर, सबमिट बटन पर जब भी मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा, तो क्या होगा, एक फंक्शन रन होगा। तो मुझे फंक्शन बनाना पड़ेगा, तो फंक्शन बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक फंक्शन बनाऊंगा, ठीक है, फंक्शन का क्या क्या नाम, फंक्शन का नाम क्या रहेगा मेरा, हमेशा जनरेट इन्फो। इसके अलावा इसको मैं असिंक फंक्शन बनाने वाला हूँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन बताएंगे असिंक फंक्शन क्या होता है, और आप मुझे ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन बताएंगे कि जावास्क्रिप्ट का ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन क्या है। चलिए, तो जैसे ही मैं इस बटन पर क्लिक करूँगा, ठीक है, तो यहाँ पर मैं सपोज को मैंने लिखा यहाँ पर हैलो, तो इस बटन पर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, तो सबसे पहले ये वाला जो टेक्स्ट है मेरा यहाँ पर आना चाहिए, ठीक है, मैं इसको एक्सेस कर पाऊँ यहाँ पर। फंक्शन पर क्लिक करते ही क्या करूँगा, मैं टेक्स्ट को यहाँ पर एक्सेस कर पाऊँ, वो टेक्स्ट की वैल्यू मेरे पास आ जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इस एलिमेंट को मैं टारगेट करूँगा यहाँ पर, तो आई राइट ओवर हियर कॉन्स्ट कार्ड, ये नॉट कार्ड, ये इसका मैं एक बार देख लेता हूँ इसकी आईडी क्या है, इसकी आईडी है टेक्स्ट है। चलिए, तो यहाँ पर मैं टेक्स्ट लिखूंगा। इसके अलावा मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको एलिमेंट टारगेट करना है, तो मुझे एक API कॉल करूँगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पर मैं इस आईडी का नाम लिख दूंगा टेक्स्ट, इतना क्लियर है। और एक फिर उसको प्रिंट करा के देख लेता हूँ, ताकि ये मेरे पास वैल्यू आ भी रही है कि नहीं आ रही है।
तो टेक्स्ट डॉट वैल्यू। चलिए यहाँ पे मैं टाइप कर लेता हूँ, मैंने हेलो यहाँ पे टाइप कर लिया और कंसोल पे क्लिक करवा ले तो प्रिंट करवाना करवा रहा हूँ यहाँ पर कंसोल पर, तो मेरे यहाँ पर प्रिंट होगा ये। और मैंने सबमिट बटन यहाँ पे क्लिक किया, अभी मेरे पास टेक्स्ट नहीं आ रहा है, इसका मतलब मैं इसकी वैल्यू फेच नहीं कर पा रहा हूँ। क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? सीधा सा रीजन, क्योंकि सबमिट बटन में क्लिक तो कर रहा हूँ लेकिन ये मेरा फंक्शन कॉल नहीं हो रहा है। फंक्शन कॉल कैसे होगा? क्योंकि मैं यहाँ पर मुझे एक इवेंट ऐड करना पड़ेगा इस बटन पर। तो एक काम करता हूँ, मैंने यहाँ पे एक इवेंट ऐड कर देता हूँ ऑन क्लिक, और यहाँ पर मैं फंक्शन का नाम देना पड़ेगा मेरे को जनरेट, नहीं आ रहा है यहाँ पर जनरेट इन्फो। चलिए बढ़िया, आई होप अब ये काम करना चाहिए। ओके ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पर मैंने लिखा हेलो हेलो हेलो, यहाँ पर मैं वैल्यू फेच कर पा रहा हूँ। चलिए बढ़िया, तो अब ये सारा काम मैं कर पा रहा हूँ यहाँ पर। अब मैं अपने ai.js पर जाऊँ, ठीक है। इसके अलावा मुझे क्या करना है, मैं इसे डॉट वैल्यू लिख देता हूँ ताकि टेक्स्ट के अंदर पूरी वैल्यू आ जाए, ठीक है। इसके अलावा मैं क्या करने वाला हूँ, कॉन्स्ट कार्ड, कार्ड मेरा क्या है, कार्ड आप लोग देखोगे तो ये वाला एलिमेंट है। इस पर मैं क्या करवाऊंगा, अपना जो रिस्पॉन्स मेरा जो आने वाला है मैं इस कार्ड के अंदर उसको प्रिंट करवाऊंगा। तो कार्ड डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी एंड आई विल राइट द कार्ड ओवर हियर, ठीक है। ये एरर क्यों आ रहा है, डॉक्यूमेंट ओके, एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि इसको स्टूडेंट ने नहीं लिखा है। फाइन, आई होप ये सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। मैंने दोनों एलिमेंट टारगेट कर लिए हैं, ये मेरा इनपुट वाला एलिमेंट हो चुका है, उसके अलावा मैंने जिस एलिमेंट में रिस्पॉन्स प्रिंट करवाना है ये वो एलिमेंट है। चलिए बढ़िया, पर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर क्या, फंक्शन टू सेंड द डायनेमिक कंटेंट कंटेंट, ठीक है। अब आप लोग ध्यान दोगे कि मुझे क्या करवाना है, कि सबसे पहले यहां पर मैंने लिखा हेलो, तो जैसे से मैं सबमिट बटन मैंने क्लिक किया तो यहां पर देखो हेलो सबसे पहले यहां ऐड हुआ है यहां पर, ठीक है। तो मुझे इसकी कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी कि जो भी मैं यहाँ पर प्रॉम्प्ट लिख रहा हूँ, जो भी प्रॉम्प्ट मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ वो मेरे सबसे पहले यहाँ पर आ जाए सबसे पहले, ठीक है। जो भी उसका रिस्पॉन्स आ रहा है रिस्पॉन्स से पहले ये मेरा आना चाहिए, ओके। अब इसके लिए मैं क्या करूँगा यहाँ पर, VS Code, तो सबसे पहले क्या करूँगा मैं, ऐड ये यूज़र इनपुट टू दी कार्ड, ठीक है। कार्ड में जाएगा सबसे पहले, कार्ड रहेगा, कार्ड के अंदर सबसे पहले वो इनपुट रहेगा, फिर उसके नीचे जो रिस्पॉन्स आएगा इनपुट के नीचे वो मैं डिस्प्ले कराने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं एक डिव क्रिएट करूँगा डायनेमिकली, क्रिएट क्रिएट यूजर मैसेज, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, डॉक्यूमेंट कि मेरे इस डॉक्यूमेंट पर एक एलिमेंट क्रिएट कर दो, क्रिएट एलिमेंट, ठीक है। और कौन सा एलिमेंट होना चाहिए, डिव एलिमेंट होना चाहिए। उसके अलावा मुझे क्या करना पड़ेगा कि मेरा जो डिव एलिमेंट क्रिएट हो रहा है उसकी क्लास होनी चाहिए, यूजर मैसेज डॉट क्लास नेम, ठीक है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे मैंने क्लास नेम क्यों लिखा है, सिर्फ क्लास क्यों नहीं लिखा, बल्कि अगर आपने अपने एचटीएमएल के एलिमेंट्स देखे होंगे उसमें सब क्लास लिखते हैं। तो यहाँ पर उस क्लास का नाम लिख लेता हूँ मैं मैसेज, चलिए। उसके अलावा मुझे क्या करना पड़ेगा, यूजर मैसेज डॉट टेक्स्ट कंटेंट क्या रहने वाला है, जो भी मैं लिखने वाला हूँ, और मैं लिखने क्या वाला हूँ ये, ठीक है। जो भी मैं लिखूंगा उसकी वैल्यू मैंने इस टेक्स्ट के अंदर मैंने सेव की हुई है और वही वैल्यू मैं यहाँ पर प्रिंट करवा दूंगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, कार्ड डॉट अपेंड चाइल्ड, और यहाँ पर मैं कर दूंगा इस
ये जो मेरा एलिमेंट जो मैंने यहाँ पर क्रिएट किया हुआ है इसको मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगा यूजर मैसेज। ठीक है, ये बस को देख लेते हैं किस तरीके से दिखाई दे रहा है कुछ। ये यहाँ पर मैंने प्रिंट, चलिए इसको मैंने रिलोड किया। यहाँ मैंने लिखा रिएक्ट, देखो रिएक्ट यहाँ पर ये आने लगा। ठीक है, जो भी आप यहाँ पर टाइप करेंगे आप यहाँ पर लिखते हो हेलो, ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर आने लगा। चलिए इसको मैं रिलोड कर देता हूँ यहाँ से। हमारे पास एपीआई तो है जिसके थ्रू हम के डेटा फैच करेंगे, तो अब उस जो भी मेरे पास टेक्स्ट आ रहा है, ठीक है, कि ये हम लोग भेजेंगे कहाँ पर, जेमिनी एआई एपीआई के पास, और इन रिटर्न वो हमें क्या देगी, वो हमें एक रिस्पॉन्स देगी वो एपीआई। चलिए तो फैच का इस्तेमाल करूँगा मैं, फैच। ठीक है, फैच में सबसे पहले मैं क्या लिखने वाला हूँ, ठीक है, यहाँ लिख लेता हूँ सबसे पहले मैं इसको फैच रिस्पॉन्स। ओके, फैच के अंदर सबसे पहले क्या लिखने वाला, यहाँ पर मैं एपीआई लिखने वाला हूँ और उसके अलावा साथ में मैं कुछ डेटा भेजूंगा। ठीक है, डेटा के अंदर मेरा क्या रहने वाला है, डेटा के अंदर मेरा रहने वाला है मैं कौन सा मेथड यूज करने वाला हूँ इस रिक्वेस्ट के लिए। जो कि मेरा पोस्ट रहने वाला है, उसके अलावा मेरा क्या रहेगा हेडर्स, कंटेंट टाइप, एप्लीकेशन जी सर। उसके अलावा मैं क्या भेजने वाला हूँ यहाँ पर, बॉडी भेजने वाला हूँ। ये तो हमारा मेन है, ये बॉडी वाला पार्ट कौन सा है, यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर आप देखेंगे पोस्टमैन पर जाऊँगा, ये बॉडी वाला पार्ट, ठीक है, ये मुझे भेजना है बॉडी में। ठीक, तो मैं किस तरीके से भेजूंगा उसको, मैं यहाँ से कॉपी करूंगा, ठीक है, क्योंकि आप लोग यहाँ से देखो मैं इसको सेंड कर रहा हूँ, सेंड में बॉडी क्या भेज रहा हूँ, बॉडी में मैं ये पूरा डेटा भेज रहा हूँ यहाँ पे, तभी आपके पास क्या डेटा आ रहा है यहाँ पर आप देख रहे हैं। ठीक है, तो एक काम करूंगा मैं यहाँ पर बॉडी के अंदर यहाँ पर भेज रहा हूँ, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर कॉपी करूंगा मैं फैच रिस्पॉन्स को, यहाँ पे कॉन्स्ट बॉडी ठीक है, उसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ज़्यादा बेटर है पेस्ट एल प्लस जेड। ठीक है, यहाँ पर आप लोग ध्यान दोगे तो बॉडी में कुछ इस फॉर्मेट में भेजने वाला हूँ, जो कि मैंने यहाँ से कहाँ से कॉपी की है, मैंने यहाँ से ये कॉपी कर लिया। ठीक है, कॉन्फ़िगर फाइन, प्रेटियर का इस्तेमाल करूँगा कॉन्फ़िगर के लिए। ओके, कहीं मैंने गलती की है, कहाँ गलती की है मैंने, बॉडी कंटेंट टाइप, ओके यहाँ मैंने कुछ गलती की है, बॉडी कंटेंट, ओके हाल फिलहाल के लिए मैं इसको हटाऊँगा यहाँ से। ठीक है, शायद अब प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, हाँ अब कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर डेटा भेजने वाला हूँ, डेटा के अंदर यहाँ पर क्या है टेक्स्ट आएगा, टेक्स्ट के अंदर मैं क्या भेजूँगा अपना इनपुट वैल्यू भेजूँगा यहाँ पर। तो मैं यहाँ पे क्या लिखने वाला हूँ, ये टेक्स्ट ही भेजने वाला हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पर मैं टेक्स्ट लिख दिया मैंने। ठीक है, यहाँ पर हम वही काम कर रहे थे पोस्टमैन में, हम इस टेक्स्ट के अंदर डेटा भेज रहे थे। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख दिया हु इज राहुल गांधी सेंड, और यहाँ पर मेरा रिस्पॉन्स आ रहा था जो कि 2 या 3 सेकेंड ले रहा है आने में। ठीक है, राहुल गांधी यहाँ पे प्रोफाइल आ चुका है। तो ये जो वाला, ये जो काम है ना, ये वाला काम, ये मैंने किस तरीके से किया है, मैंने यहाँ से इनपुट लिया, ठीक है, टेक्स्ट के अंदर, इस टेक्स्ट को मैंने यहाँ पर भेज दिया इस टेक्स्ट के सामने। इतना क्लियर है, चलिए बढ़िया। और अब मैं क्या करूँगा, इसका ये डेटा मुझे भेजना है इस फैच मैथड के थ्रू, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर बॉडी, ठीक है, बॉडी के अंदर मुझे क्या भेज देना है, मुझे बॉडी ही भेज देना है। चलिए अब फैच, यहाँ पर मुझे उस अपनी एपीआई लिखनी पड़ेगी, तो एपीआई लिखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मैं क्या करूँगा एपीआई अपनी लिख दूंगा। एपीआई मुझे कहाँ से मिलेगी, मेरे पोस्टमैन के अंदर ही है, ये रही एपीआई मेरी पूरी, यहाँ इसको मैंने कॉपी किया, इसके अंदर भी एपीआई की भी है, और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर दूंगा, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी इसको पेस्ट कर चुका है।
ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, मेरा ये वाली जो लाइन नंबर 18, ठीक है, लाइन नंबर 1824, ये क्या करेगी, मेरा रिस्पॉन्स फेच करके लेके आएगी, ठीक है। और इस जो भी रिस्पॉन्स आएगा मैं इसको स्टोर किस में कर लूंगा, कॉन्स्ट रिस्पॉन्स। चलिए अब मेरे पास जब भी रिस्पॉन्स आएगा उसको मुझे किस तरीके से भेजना पड़ेगा, ठीक है। रिस्पॉन्स मेरे पास जो भी आएगा, एक काम करता हूँ मैं इसको कॉन्स्ट, क्योंकि ये मैं फैच एपीआई यूज कर रहा हूँ, रिजल्ट, और रिजल्ट के बाद मुझे अवेट, ओके, मुझे यहाँ पर अवेट लगाना पड़ेगा, ये तो लगाना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मेरा सिंक फंक्शन है और अवेट तो काफ़ी ज़रूरी है यहाँ पर। अवेट ये करेगा कि अवेट का मतलब ये हो गया, जब तक ये रिस्पॉन्स जो भी आ रहा है इसको जब तक जेसन में कन्वर्ट नहीं करेगा जब तक नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होगी ही नहीं, ठीक। और मैं काम करता हूँ कंसोल करवा लेता हूँ उस रिजल्ट को, यहाँ पर रिजल्ट मेरा आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा मुझे क्या करना पड़ेगा, एक बार मैं करके देख लेता हूँ यहाँ पर कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा। यहाँ पर मैं रिएक्ट मैंने यहाँ पर लिखा और यहाँ पर मैं उसको प्लस आई और उसको मैं एक बार रीलोड कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पर रिएक्ट लिखा, रिएक्ट सबमिट, तो डेटा तो इस तरीके से कुछ एरर आ रहा है, एक्सेस टू फैच एट, ओके। एक काम करता हूँ मैं यहाँ पर, ओके 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 ठीक है, बॉडी, इस बॉडी के डेटा को मैं भेज रहा हूँ यहाँ पर, इसको मैं क्या करूँगा यहाँ पर, जेसन टू स्ट्रिंगिफाई, और यहाँ पर मैं बॉडी, डेटा कहाँ है मेरा, ये है ना डेटा मेरा बॉडी, ठीक है, यहाँ पे बॉडी कर देता हूँ बॉडी। चलिए इसको मैंने लोड किया, रिएक्ट सबमिट, डेटा नहीं आ रहा है, कोरस पॉलिसी का यहाँ पर एरर आ रहा है जो कि नहीं आना चाहिए हालांकि, और एपीआई वगैरह मेरा सब कुछ ठीक है। यहाँ से मेथड पोस्ट मैंने कर चुका है, अवेट फेच, ओके। एक काम करता हूँ, ये कोरस पॉलिसी का जो एरर आ रहा है मैं दिस पीसी डेस्कटॉप जेमिनी एआई मॉडल AI को मैंने इसको ओपन विथ माइक्रोसॉफ्ट एच, ठीक है, यहाँ मैंने लिखा रिएक्ट कंसोल सबमिट, ओके, फ्रॉम ओरिजिन नल हैज बीन ब्लॉक्ड बाय कोरस पॉलिसी रिस्पॉन्स टू, ओके, कंट्रोल चेक नो एक्सेस, कंट्रोल अलाउ ओरिजिन, इट इज प्रेजेंट ऑन द रिक्वेस्ट रिसोर्स इफ एन ओपेक रिस्पॉन्स सब्स्टिट्यूट, फाइन। उसके अलावा मेथड पोज हेडर्स मैं भेज ही रहा हूँ, बॉडी भी मैं भेज ही रहा हूँ, ओके। एक काम करना पड़ेगा मुझे, कोड मुझे फिर से देखना पड़ेगा और यहाँ पर मैं ध्यान दूँ, ओके, मैंने यहाँ पर गलती कर दी है, एरर तो आना ही है, ठीक है। रीलोड, रिएक्ट, हाँ यहाँ पे आप ही मेरा रिस्पॉन्स आना यहाँ पर शुरू हो चुका है। कैंडिडेट्स, कैंडिडेट मेरा एक एरे है, तो जीरो एलिमेंट पर जाऊँगा, कंटेंट पर जाऊँगा, पार्ट्स पर जाऊँगा, टेक्स्ट पर जाऊँगा, और देखो मेरे पास ये आ चुका है पूरा रिस्पॉन्स। चलिए बढ़िया, अब ये मेरे पास रिस्पॉन्स भी आ चुका है, अब बस उसको फिट करना बाकी है, वो भी हम कर लेते हैं। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, रिजल्ट तो मैंने प्रिंट करवा लिया, ठीक है, अब मैं क्या करवाऊंगा यहाँ पर, मुझे करवाना डिस्प्ले, जो मेरे पास रिस्पॉन्स आया है एपीआई डिस्प्ले एपीआई रिस्पॉन्स, बढ़िया। तो यहाँ पर मैं एक और डिव क्रिएट करूंगा यहाँ पर रिएक्ट के नीचे, ये रिएक्ट पहले सबसे पहले रिएक्ट के में एक डिव क्रिएट हो जाएगा, उसके नीचे एक और मैं डिव क्रिएट कर दूंगा हर रिस्पॉन्स पर, तो
const API message document dot create element dev. उसके अलावा मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें मैं एक क्लास ऐड कर दूंगा API डॉट मैसेज डॉट क्लास नेम. इसकी क्लास नेम क्या लिखने वाला हूँ मैं, मैसेज. इसकी CSS मैंने ऑलरेडी लिख रखी है, आप मैंने कट कॉपी पेस्ट कर दी है इस मैसेज की CSS वगैरह सब कुछ मैंने ऑलरेडी लिख चुका है इसमें API. जो भी मेरा मैसेज आने वाला है मुझे क्या करवाना, डिस्प्ले करवाना है, तो डिस्प्ले में किस तरीके से करवाऊंगा, डॉट इनर HTML मैं कुछ इस तरीके से करवाऊंगा. रिजल्ट सबसे मेरे पास देखो, मेरे पास जो रिस्पांस आ रहा है वो रिजल्ट में आ रहा है, तो मैं रिजल्ट के अंदर जाऊंगा. ठीक है, जब रिजल्ट के अंदर गया तो मुझे क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे देखो कैंडिडेट्स आ रहा है. रिजल्ट मुझे क्या दे रहा है, एक ऑब्जेक्ट दे रहा है जो कि जिसका पहला एलिमेंट क्या है, कैंडिडेट्स है, तो डॉट कैंडिडेट्स कैंडिडेट्स स्पेलिंग आई होप ठीक है, कैंडिडेट्स. और यहाँ पर आप देखो कैंडिडेट्स के मेरे एक एरे है, तो मैं यहाँ पर एरे लगाऊंगा. एरे का कौन सा पार्ट है, फर्स्ट पार्ट ही है. ओके हाँ, तो जीरोथ एलिमेंट. ठीक है, जीरोथ एलिमेंट का बाद आप क्या देखोगे कि कंटेंट है मेरा जीरोथ एलिमेंट पर, तो कंटेंट. इसके अलावा फिर मैं क्या देखूंगा, कंटेंट के बाद क्या मेरा पार्ट्स है. ठीक है, पार्ट्स. ठीक है, जो कि एक एरे है. हाँ, और यहाँ पर पार्ट्स मेरे एक एरे है, तो उस पर टेक्स्ट कौन से इंडेक्स पर है, जीरोथ इंडेक्स पर है. तो यहाँ पर इस तरीके से आ चुका है. अभी मेरे पास टेक्स्ट मेरे पास प्रिंट हो चुका है. टेक्स्ट का मुझे टेक्स्ट चाहिए, डॉट टेक्स्ट. चलिए, तो एक बार रिस्पॉन्स देख लेते हैं करके ये वाला काम भी. यहाँ पर मैंने सबमिट किया, तो इसको मैं एक बार रीलोड कर लेता हूँ. सबमिट कैंडिडेट्स. ओके, डेटा तो फैच हो चुका है. ये भी यहाँ पर डेटा नहीं आया है, ऐसा क्यों हुआ? अच्छा, डेटा इसलिए नहीं आया है क्योंकि मैंने अभी डिव यहाँ पे क्रिएट कर लिया, लेकिन डिव मैंने ऊपर अभी ऐड नहीं किया है. यहाँ पर इसको अगर छोटा कर देता हूँ. ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मुझे डिव ऐड करना पड़ेगा. तो इसके लिए मैं क्या करना पड़ेगा, कार्ड. जो डिव एलिमेंट मुझे डिव एलिमेंट ऐड का करना है, ये मेन मेरा कार्ड है. ठीक है, कार्ड के अंदर मैं एक डिव क्रिएट करूँगा, तो कार्ड डॉट अपेंड, क्योंकि डिव तो ऑलरेडी मैंने क्रिएट कर चुका है, यहाँ से डिव मेरे क्रिएट हो चुका है. अब मैं उसको बस अपेंड करना है, ऐड करना है. तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, API मैसेज. चलिए, तो उसको मैं रीलोड करूँगा. ऑटो सेव नहीं है क्या ये फाइल, ऑटो सेव है ऑलरेडी. ओके, कोई इशू नहीं है. रिएक्ट सबमिट. अभी तो मैसेज, हाँ देखो यहाँ पर मैसेज आने लगा. बूम, ऑलमोस्ट वर्किंग हो चुका है हमारा पूरा चैटबॉट. यहाँ पर सी ये काम कर रहा है. हम यहाँ पर, ठीक है, मैं यहाँ पर डाल देता हूँ वेयर इज नोएडा. सबमिट बटन. ठीक है, यहाँ पर रिस्पॉन्स आ चुका है मेरे पास. यहाँ पर आप देखोगे वेयर इज नोएडा, लेकिन थोड़ा रीडेबल बनाने के लिए मैं काम करता हूँ. अब हमारा जो मेन कोर काम था, हमारा काम सारा हो चुका है. अब बस ये कि जो ये मेन कोर है ना, इसको थोड़ा बहुत एडिट करना, ठीक है, ताकि अच्छे से डिस्प्ले हो जाए. तो एक काम करता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पर उसको मैंने रीलोड किया, और यहाँ मैंने लिखा सपोज को नितिन. सबमिट बटन. तो ये नितिन है ना, सबसे पहले हम उसको देखते हैं. ये थोड़ा बीचों बीच आ जाए और थोड़ा बोल्ड हो जाए और हाईलाइटेड फॉर्म में हो जाए. तो इसलिए मैं क्या करूँगा, ये मैंने कहाँ पर किया हुआ, मैंने यहाँ पर किया हुआ ये. तो इसके लिए काम करता हूँ मैं, यहाँ पर मैं बैकटिक का इस्तेमाल करूँगा. आई होप ये आपको पता होगा बैकटिक कैसे इस्तेमाल किया जाता है. ठीक है, और यहाँ पर मैं लिखूँगा H1. ठीक है, उसके अलावा मैं
टेक्स्ट और इसको मुझे स्ट्रिंग इंटरपोलेशन करवाना पड़ेगा डॉलर, ठीक है। ठीक, इसको मैंने रिलोड किया यहाँ पर और मैंने यहाँ पे लिखा एंटिन। तो देखो ये इस तरीके से कुछ दिखाई दे रहा है, मुझे कुछ एक्स्ट्रा इसमें करना पड़ेगा। ओके, मुझे यहाँ पे इसको मैं चेंज कर देता हूँ, टेक्स्ट कंटेंट ना करके मैं यहाँ पे एनआर एचटीएमएल में कर देता हूँ। तो इसको मैंने रिलोड किया और यहाँ पर मैंने लिखा नितिन, देखो वहाँ पर ऑलरेडी आ चुका है। अब मैं एक काम करता हूँ, उसको सेंटर में कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैंने किया यहाँ से, ऑलमोस्ट डन है। एंड नितिन यहाँ पे सेंटर में आ चुका है। ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ मैं एक, ताकि बेटर दिखाई दे। एच आर ठीक है, यहाँ पर रिस्पॉन्स आ चुका है। ओके, यहाँ पर किस तरह से आपको रिस्पॉन्स दिखाई देने लगा है। ठीक है, इसके अलावा हमें क्या करना रहेगा अब, ये यहाँ के आज के सेशन के लिए मैं सिर्फ इतना ही सेशन रख रहा हूँ। इसके अलावा आप भी, आपको इसमें और भी कुछ चाहिए तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अब आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि आप यहाँ पर इसको सही फॉर्मेटिंग में किस तरीके से लिखोगे। अगर आपके पास नहीं हो रहा है तो आप मेरे सोर्स कोड पर जा सकते हो, जो कि आपको गिटहब पे अवेलेबल होगा, और लिंक आपको मैं नीचे की तरफ प्रोवाइड करवा दूंगा। इस वीडियो के नीचे आपको लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ से आप पूरा का पूरा सोर्स कोड ले सकते हैं। एंड उसके अलावा अगर आपको यही सेम प्रोजेक्ट नोड में बनाना है या फिर रिएक्ट बनाना है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शंस। तो बाकी हम नेक्स्ट सेशन में करते हैं।